रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। आर्टिकल 14। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुसलमानों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने वाला विधेयक लोकसभा में पास हो गया, लेकिन उसका विरोध सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है और उस विरोध की एक बड़ी वजह संविधान में दिया हुआ आर्टिकल 14 है, वो आर्टिकल जो सबको बराबरी का दर्जा देता है। और ये जो कानून आज लाया गया है, विधेयक लाया गया है, ये उस बराबरी को समाप्त करता है। तो आप अंडरमाइन कर रहे हैं आर्टिकल 14 को, आप आक्रमण कर रहे हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल कस्बा, वहां पर फेल हो जाता है। टुडे यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंगलिंग आउट वन कम्युनिटी एंड रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ओनली देम असाइलम फ्रॉम ऑपरेशन। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार संसद को कानून बनाने से, समानता का अधिकार जिसमें न हो ऐसे कानून संसद नहीं बनाए। बहस थी नागरिकता संशोधन विधेयक पर। बहस का मसला था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पनाह से आगे बढ़कर नागरिकता देना, लेकिन बात पहुंच गई संविधान पर। संविधान के अनुच्छेद 14 पर सवाल ये कि क्या नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। विपक्ष चिल्लाता रहा हाँ हाँ हाँ, ये उस बराबरी को समाप्त करता है। सरकार बोलती रही नहीं नहीं नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका क्या माने है अध्यक्ष जी? इसका माने है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं, उसको भारत के कानून के सामने बराबरी की नजर से देखा जाएगा। और ये जो कानून आज लाया गया है, विधेयक लाया गया है, ये उस बराबरी को समाप्त करता है। इसी तरह से अगर आप धारा 15 को देखें, धारा 15 में ये कहा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका क्या मतलब हुआ अध्यक्ष जी? समानता का अधिकार जिसमें न हो ऐसे कानून संसद नहीं बना सकती, मैं मानता हूं, मगर ये कोई क्लास के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ है, एक धर्म के लिए नहीं हुआ है, एक क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारी माइनॉरिटी के लिए हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता मान्यवर, अगर सिर्फ बौद्धों के लिए करते आर्टिकल 14 जरूर सामने रास्ते में आता, सिर्फ हिंदुओं के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 जरूर इसका वायोलेशन होता, सिर्फ सिखों के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायोलेशन होगा, मगर एक प्रताड़ित क्लास के लिए, प्रताड़ित माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून करते हैं तो आर्टिकल 14 कहीं पर। इस बहस पर हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको दिखाते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद 14 पर विपक्ष ने सरकार को कम से कम 14 तरीकों से घेरने की कोशिश की। सरकार के पास बहुमत था, बिल को पास होना ही था, हुआ भी, लेकिन लोकतंत्र की फिजा सवालों के धुएं से भर गई। सवाल उठा कि क्या नागरिकता संशोधन विधेयक अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। सवाल उठा कि क्या तीन देशों में गैर मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता देना धर्म के नाम पर भेदभाव है। सवाल उठा कि बिल में सरकार ने जिस तरह मुस्लिम विरोधी रुख दिखाया, क्या वो भारत की धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है जो संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है। और सवाल ये भी उठा कि जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को पनाह दी जा रही है तो म्यांमार, श्रीलंका और चीन को क्यों छोड़ दिया गया? होम मिनिस्टर साहब, अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं।
क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाइल? आप इंतजार कर रहे हैं मैडम, यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? वन थर्ड एरिया चीन, भारत का चीन में है, और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए, इतना क्यों डरते चीन से आप? विपक्ष ने संविधान के आर्टिकल 14 की उंगली पकड़कर ही सरकार को घेरा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की दलील थी कि 1971 में इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप आक्रमण कर रहे हैं, तो ये तो हमारा संसदीय नहीं सर, हमारा लोकतंत्र की ढांचा है। 71 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन कर बांग्लादेश की रचना करी, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही, और बांग्लादेश की रचना के बाद 71 तक के सारे शरणार्थी जो आए थे उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई, माननीय किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। असम का ये लोग चाहूंगा क्योंकि वो लोग जो बोल रहा है पहले जो 71 का बाद में जो है वो लोग रहेगा, उसका बाद में जो आएगा वो रह नहीं पाएगा। तो अभी देखिए वो लोग बोल रहा है जो 2014 से लागू कर रहा है उमेश शाह, ये हम लोग असम का आदमी जो है ये लोग मानता नहीं। वैसे विरोध से याद आया कि उत्तर पूर्व के राज्य थदक रहे हैं और वो भी अपने संवैधानिक अधिकारों के सवाल पर ही, कि नागरिकता संशोधन विधेयक उनके खिलाफ है। आज तक ब्यूरो। विपक्ष का सीधा आरोप यही है कि सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है, और सरकार कहती है कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। वैसे संविधान में ऐसे कई आर्टिकल हैं जो आपकी नागरिकता को मजबूत करते हैं, लेकिन एक आर्टिकल ऐसा भी है जो आपकी नागरिकता लेने का अधिकार भी देता है। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. हिंदुस्तान के लिए भाग्य से मिलन की वो रात 14 से 15 अगस्त 1947 को आई थी। इतिहास के उस दुर्भाग्य को नजरअंदाज करते हुए जिसमें हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, सपना था कि एक नया देश ऐसा होगा जिसमें हर नागरिक की कीमत बराबर हो, लेकिन 72 साल बाद ये देश एक ऐसे मुहाने पर है जहां संविधान में दिए हुए समता के अधिकार पर संसद में बहस हो रही है, और उससे ज्यादा इस बात पर कि क्या कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी, नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे ये सबको मिलेगा। एक मिनट तुम बैठ जाइए। हाँ प्लीज प्लीज माननीय इनका जवाब मत दीजिए आप। मान्यवर अब ये इतना बोल रहे हैं मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। अगर कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया था तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र की जगह धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कैसे बन गया? इसमें सभी धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार कैसे मिल गया? यकीन न हो तो संविधान के पन्नों को पलट कर देख लीजिए। एक आर्टिकल 14 नहीं, ऐसे कई आर्टिकल हैं जो हर किसी को एक नजर से देखते हैं। सबसे पहले संविधान अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है या उसके माता पिता में कोई भारत में जन्मा है या अगर संविधान लागू होने से पहले 5 साल तक भारत में रहा है तो भारत का नागरिक होगा। संविधान की बारीकियों से अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों का मानना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है। अब सवाल यह है कि नागरिकता संशोधन विधेयक में क्या नागरिकता के अधिकारों का हनन हो रहा है? कुछ विद्वान सरकार के रुख से सहमत नजर आते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिसिबल है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिनके हिसाब से रीजनेबल क्लासिफिकेशन अगर हो तो उसको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता।
वैसे बराबरी का ऐलान करने और हर नागरिक के लिए बराबरी की जिंदगी देने वाले और भी कई आर्टिकल हैं। संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। वैसे ही आर्टिकल 13 कहता है कि ना तो संसद और ना ही सरकार या कोई राज्य कोई ऐसा कानून बना सकता है जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। सरकार का दावा है कि वो देश के किसी नागरिक का कोई हक छीन नहीं रही है। दिल्ली में आकार पटेल के साथ आज तक गौरव। बराबरी का अधिकार सबको मिला हुआ है, बल्कि देश आजाद हुआ तब की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से एक समझौता किया था कि दोनों ही देश अपने अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। भारत ने अपना वचन निभाया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस मामले में फेल रहा। आजादी की कीमत कितने ही बेगुनाहों ने चुकाई, जब धर्म के नाम पर हिंसा हुई और देश बट गया, भारत और पाकिस्तान। जिन्ना का पाकिस्तान तो धर्म के नाम पर बना ही था, लेकिन गांधी के हिंदुस्तान ने धर्म की थियरी मानी ही नहीं। नेहरू ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और 1950 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक समझौता किया। इसके बाद क्या हुआ माननीय? नेहरू लियाकत समझौता हुआ। 1950 में दिल्ली में एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ और वो समझौते के तहत ये निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे। भारत भी रखेगा, पाकिस्तान भी रखेगा और बाद में बांग्लादेश बना। 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में समझौता हुआ कि दोनों देश अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव के लिए जिम्मेदार होंगे। शरणार्थियों के पास अपनी संपत्ति बेचने या वापस जाने का अधिकार होगा। जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और अगवा महिलाओं को वापस उनके रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। नेहरू ने कैसे अपने वचन का पालन किया, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेहरू के धुर विरोधी बीजेपी और उसके नेता अमित शाह भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं का क्या हाल हुआ, ये भी देख और जान लीजिए। आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी, लेकिन 2006 तक यानी 60 साल के भीतर ही वो महज 2.5% रह गए। आज तक ब्यूरो। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया। राज्यसभा में संख्या का गणित देखकर लगता है कि वहां भी ये पास हो ही जाएगा, लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा में भी उठ सकता है आर्टिकल 14 का सवाल। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर जो हंगामा हुआ वो संविधान के आर्टिकल 14 पर बहुत ज्यादा केंद्रित रहा, और अब जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ भी ये सवाल उठेंगे ही। देखिए, बीजेपी और अमित शाह का ये कहना है कि ये कोई बांटने की कोशिश नहीं है, जो लोग माइनॉरिटी के लोग आए थे धर्म उनको। सवाल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन में हम धर्म की बुनियाद पे ये कोई भी कानून नहीं बनाते हैं, ये तो धर्म की बुनियाद पे कानून बना है, तो धर्म की बुनियाद पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, तो ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे कभी मानती नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मानना पड़ रहा है। लेकिन इस देश में वो दो कॉन्स्टिट्यूशन चलाना चाहते हैं। अब देखिए कि संसद के ऊपरी सदन में संविधान के आर्टिकल 14 पर पक्ष प्रतिपक्ष में कैसी व्याख्या आती है। आज तक ब्यूरो। आर्टिकल 14 पर सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने, लेकिन ये जो बवाल मचा हुआ है सीएबी को लेकर, वो कहां पर जाकर थमता है ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।